हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट जीतू। भारत की राजधानी दिल्ली के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं स्वागत करता हूँ आपका। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो पूरा पूरा ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने वाला है। पूरा ही कम्प्लीट जानकारी आज के वीडियो में आपको ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से संबंधित मिलने वाला है। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में एंट्री के लिए देखिए टोटल दो किनारे हैं आपके ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में एंट्री के लिए, यानी दो साइड से आप एंट्री कर सकते हो। एक है आपका चांदनी चौक का साइड और दूसरा है आपका कश्मीरी गेट साइड से आप एंट्री कर सकते हो। तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है आपका चांदनी चौक साइड वाला एंट्री। यहाँ से केवल व्हीकल्स का एग्जिट होता है, एंट्री नहीं होता है। यदि व्हीकल्स की एंट्री करानी है तो आप फतेहपुरी के पास में बनाए आपका एक एंट्री गेट, वहां से व्हीकल्स की एंट्री हो सकती है। आगे ही है आपका प्रीपेड ऑटो टैक्सी बुकिंग काउंटर, तो वहां से आप ऑटो टैक्सी वगैरह बुक करा सकते हो। और देखिए चांदनी चौक से और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आने के लिए जो आपका चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन है वहीं से एक अंडरपास बनाया गया है जो डायरेक्ट ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन को आता है। और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन सबसे पास का मेट्रो स्टेशन है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का। सामने ही है आपका चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 3 और ये है आपका मजिस्ट्रेट ऑफिस है। और देखिए ये है आपका चांदनी चौक के साइड से जब आप एंट्री करते हो तो ये है आपका एंट्री गेट नंबर 3 जहां पर आपको अनरिजर्व या जनरल टिकट आपको यहां से मिल जाएगा। एटीबीएम मशीन से आपको यहां पर टिकट मिल जाएगा और यहीं से आपको एंट्री मिल जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से लेके और 16 तक जाने के लिए। और इसमें आपको अंदर जाके 2 एटीएम भी मिल जाएंगे जहाँ से आप कैश वगैरह निकाल सकते हो। तो अंदर चलते हैं, आपको अंदर की जानकारी देते हैं। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए आप लोग X225। एंट्री करने के बाद सामने ही आपको एटीएम की सुविधा मिल जाएगी और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगा है आपका एटीबीएम मशीन, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। और सामने काउंटर है अनरिजर्व टिकट काउंटर जहाँ से आप काउंटर से टिकट ले सकते हो। और इसके आगे है आपका एक काउंटर है जहां से आप ले सकते हो प्लेटफॉर्म टिकट। तो देखिए इस वाले काउंटर से आप प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हो। प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का होता है और यहां से जब आप एंट्री करोगे तो यहां से एंट्री करने के बाद आप जा सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से लेके और प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक। यहां से यदि आप एंट्री लेते हो तो अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे की आपको जानकारी देते हैं। बने रहिए वीडियो लास्ट तक और देखते रहिए आप लोग X225। एंट्री गेट नंबर 3 से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको IRCTC का फूड ट्रैक यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा और इसके आगे ही है आपका एंट्री गेट नंबर 2 और एंट्री गेट नंबर 2 पर ही आपको इंक्वायरी काउंटर मिल जाएगा जहां पर आप ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से संबंधित इंक्वायरी ले सकते हो, आने जाने वाली ट्रेनों से संबंधित जानकारी ले सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपको एक एंट्री मिल जाएगा जो कि एंट्री गेट नंबर 2 है और इसके आगे है आपका एंट्री गेट नंबर 1। तो ये सामने है आपका इंक्वायरी काउंटर, ये है आपका एंट्री गेट नंबर 2 और ये रास्ता जो है ये जाता है आपका रेल आरक्षण की ओर, यानी रिजर्वेशन काउंटर की ओर। जो रिजर्व टिकट होता है वो आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ले सकते हो। तो वहां पर पहुंच के वहां की भी जानकारी मैं आपको देता हूं। बने रहे वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए X225। ये जो लोकेशन है ये है आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का एंट्री गेट नंबर 1। एंट्री गेट नंबर 1 से एंट्री करते ही आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एंट्री मिल जाएगी और देखिए यहाँ पर है आपका रिजर्व टिकट काउंटर, करेंट रिजर्वेशन एंड कैंसिलेशन काउंटर। तो करेंट रिजर्वेशन एंड कैंसिलेशन काउंटर जो है वो सामने है
और जो आपका रिजर्वेशन काउंटर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका रिजर्वेशन काउंटर, तो ये है वो रिजर्वेशन काउंटर जहाँ से आप टिकट रिजर्व करा सकते हो। इसका फॉर्म सामने से मिल जाएगा आपको, और फॉर्म भरने के बाद आप किसी भी काउंटर पर सबमिट करके और रिजर्वेशन टिकट ले सकते हो। ये है आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी है आपकी देश की सबसे सुपर फास्ट ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस, अभी अभी आके ये लगी है। और दूसरे साइड लगी है आपकी आश्रम या मंडोर एक्सप्रेस। अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के तरफ और आपको दिखाते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं। इसके लिए आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सप्लोर 20। तो सामने ये आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जो आपका बनाया गया था जब आपकी ट्रेन चली थी कोलकाता के हावड़ा से और दिल्ली के लिए, उस टाइम बनाया गया था ये ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन सन 1864 में। तब यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म हुआ करते थे 1000 यात्रियों के साथ इस रेलवे स्टेशन को शुरू किया गया था। और आज के डेट में यहाँ पर टोटल 16 प्लेटफॉर्म थे और 2 से 2.5 लाख यात्रियों को संभालता है। हर रोज़ यहाँ पर 2 से 2.5 लाख यात्री सफ़र करते हैं इस रेलवे स्टेशन से। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आपको स्लीपर क्लास का वेटिंग रूम मिल जाएगा, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर मिल जाएगा, शुद्ध पानी पीने का पानी मिल जाएगा आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अब इससे आगे चलते हैं, आगे का आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सप्लोर 25। ये है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 3। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आपको अपर क्लास यानी AC वेटिंग हॉल मिल जाएगा। AC वेटिंग हॉल के साथ साथ देख सकते हो आप लोग यहाँ पर फूड वगैरह आपको मिल जाएगा, IRCTC का भी है और आपका नॉर्दर्न रेलवे का भी है। और इसके आगे है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5। तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 4 और इसके बगल में है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 5, जहाँ से आपकी मैक्सिमम लोकल ट्रेनें ही बनके चलती हैं। तो आपका एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेके 5 तक हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे का आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और देखिए ये है आपका प्रीमियम क्लास का लाउंज। जहां मैं खड़ा हूं, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं, ये ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 भी है और प्लेटफॉर्म नंबर 5 भी है। यहां तक आपका प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, ये देख सकते हो आप लोग, यहां तक 6 है, इसके आगे प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। और ये है आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 7। ये आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 7 है। इधर सारी की सारी आपकी लोकल ट्रेनें EMU DMU यही सारी चलती हैं। और यहाँ पर आपको एस्केलेटर की सुविधा मिल जाएगी 8, 9, 10, 11, 12 से 16 तक जाने के लिए। और सामने ये आपका क्लॉक रूम। सभी को बहुत ही उत्सुकता होती है ये चीज़ जानने की कि स्टेशन पर क्लॉक रूम है या नहीं है। तो देखिए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपका क्लॉक रूम है, सामने ये आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्लॉक रूम। अब चलते हैं एस्केलेटर से प्लेटफॉर्म नंबर 7, प्लेटफॉर्म नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16 के लिए। ये है आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का क्लॉक रूम और उस पर लगने वाला चार्ज, यानी आप जो सामान रखते हो उसका क्या चार्ज होगा आप लोग जूम करके पढ़ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। और यहाँ से हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8, 9, 10 और 16 तक के लिए। तो ये है आपका एस्केलेटर, एस्केलेटर से चलते हैं और आपसे मिलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। ये है आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 10 और इधर है आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 9। और देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर लगी है आपकी मथुरा सुपर फास्ट एक्सप्रेस या लोकनायक एक्सप्रेस। और वहीं आपका जो प्लेटफॉर्म नंबर 9 है, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर लगी है आपकी ये EMU, ठीक है। तो ये है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10। अब आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 11, 12 और 13 पर आपको चल के और वहाँ की अपडेट देते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए आप लोग
X425। तो देखिए ये है आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 11। इधर के साइड है आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 13। और इसके ठीक पीछे है आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 12। तो 12 और 13 एक में है और 11 अलग है। तो अब चलते हैं 14, 15 और लास्ट में है आपका 16। और यहाँ पर जो अभी ट्रेन लगी है वो लगी है आपकी आश्रम एक्सप्रेस या मंडोर एक्सप्रेस। ये है आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 15। और वहाँ जाने के लिए आपको यहाँ से स्टेयर केस मिल जाएगा। और देखिए जो आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको 5 मार्गों की लाइनें जुड़ी हुई है। जो आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है उससे 5 मार्गों की लाइनें जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी लाइनें जुड़ी हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका सादरा से गाजियाबाद और सहारनपुर की ओर, दूसरा है आपका सदर बाजार से नई दिल्ली की ओर लाइन जुड़ी है, तीसरी लाइन जुड़ी है आपकी दिल्ली किशनगंज से रोहतक की ओर, और चौथी रेलवे लाइन जुड़ी है आपकी सब्जी मंडी से अंबाला की ओर, और पांचवी जो रेलवे लाइन है वो जुड़ी है आपकी सराय रोहिल्ला से रेवाड़ी की ओर। और आगे ये आपका प्लेटफॉर्म नंबर 16। ये ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का आखिरी और अंतिम प्लेटफॉर्म है। तो ये है आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का सबसे आखिरी और अंतिम प्लेटफॉर्म। फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो आपका चांदनी चौक के साइड में है। जो आपका आखिरी प्लेटफॉर्म है यानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 वो आपका चांदनी चौक कश्मीरी गेट के साइड में है। तो ये है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 16। अब आगे मैं चल के दिखाता हूँ आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एंट्री कैसे होती है कश्मीरी गेट वाले साइड से। कश्मीरी गेट के साइड से यदि आप एंट्री करते हो तो यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगा डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। तो इधर से एंट्री करोगे तो आपका सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 16 आएगा, और यहाँ एंट्री करते ही आपको पीने का पानी मिल जाएगा और वेटिंग रूम मिल जाएगा। सीसीटीवी कैमरा आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपकी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई। आज की इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल फर्स्ट टाइम आओ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बहुत जल्द मिलता हूँ आप के साथ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।